इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। पूरे मुल्क में किसी न किसी तरह से अमन के माहौल को तशद्दुद में तब्दील कर फसाद की शक्ल दी जाती है और जाहिर है इन तमाम मामलों का सियासी फायदा भी उठाया जाता है। लिहाजा बेलगाम शहर में भी इसी तरह की छोटी मोटी वारदातें होती रहती है। कुछ फिरका परस्त बहाने तलाशते रहते हैं, पर चौकन्ना आवाम और पुलिस की जल्द कार्रवाई से मामला काबू में आ जाता है। खास बाग तामिटकर गली में कुछ फिरका परस्तों ने तूफानी पथराव करते हुए माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की, लिहाजा दो अफरादों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया। पुलिस और भी लोगों की तलाश कर रही है। मनोज विजय कनबरकर और राकेश माली को माहौल बिगाड़ने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। अब दोनों पुलिस हिरासत में। हासिल इत्तला के मुताबिक बरोज इतवार एक इफ्तिताही इजलास में अरबाज अब्दुल रजाक बेपारी और माजी मोहम्मद यासिन मकानदार शरीक होने जा रहे थे। लिहाजा पेट्रोल भरने के लिए अलारवाड ब्रिज के नजदीक जो पेट्रोल पंप है वहां पर उन्होंने अपनी गाड़ी में पेट्रोल भर लिया। येडियुरप्पा रास्ते से जब वापस आ रहे थे पीछे बैठे माजिन ने गाड़ी के टूटे हुए आईने की तरफ उंगली कर इसे रिपेयर करने की या तो फिर उसे तब्दील करने की बात कही। प्रीति बार के सामने खड़े मनोज को उंगली का इशारा इसी के लिए था ऐसा लगा। इसने फौरन जोश में आकर अपने दोस्त राकेश के साथ इनका पीछा किया और दोनों को भी मनोज ने बड़ी बेरहमी से पीटा। माजिन के सर में पत्थर भी डालकर इसे शदीद जख्मी किया। राकेश ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, लिहाजा इसे मजहबी रंग भी देने की कोशिश की गई और कुछ अफरादों ने मिलकर तूफानी पथराव भी किया, जिसकी वजह से माहौल में कुछ देर तक तनाव रहा। शाहपुर पुलिस थाने के CPI राघवेंद्र हवालदार ने फौरी तौर पर मामले को काबू में लाने की कोशिश की। कुछ ही देर में शाहपुर खासबाग में फसाद होने की अफवाह भी फैली, पर पुलिस ने फौरन कार्रवाई कर जल्द काबू पा लिया गया। वारदात के बाद कुछ सवाल जरूर उठते हैं, आखिर अमन के दुश्मनों पर सख्त कार्रवाई होगी या नहीं, क्योंकि बेलगाम शहर में फिलहाल अमन का माहौल है। लॉकडाउन के बाद तमाम कारोबार खत्म होने की कगार पर पहुंचे। अभी कुछ दिनों से बंद कारोबार हरकत में आ रहे हैं, अब किसी तरह के बंद अवाम के हक में बेहतर नहीं है। लिहाजा अवाम की जानिब से मुतालबा पेश किया जा रहा है कि कोई भी किसी भी मजहब धर्म का हो इन पर सख्त कार्रवाई की जाए। पिछली तारीख के औराक अगर उलट कर देखते हैं तो फसाद के पीछे सियासी पस मंजर होता है। वैसे भी अनकरीब पंचायत, लोकसभा, इसके बाद कारपोरेशन चुनाव भी होने वाले हैं। पुलिस को चाहिए कि इसकी गहरी तहकीक व तफ्तीश हो। क्या ये वारदात महज गलतफहमी या इत्तफाक से हुई है या इसके पीछे किसी तंजीम, किसी सियासी पार्टी या किसी सियासी कायद का हाथ है। अक्सर वारदातें पेश आती हैं पर हमेशा मोहरे ही हाथ आ जाते हैं। इसके पीछे के असल मास्टरमाइंड या इसके पीछे के जो असल मुजरिम है वो कहीं इस मामले में छिप जाते हैं और असल मुजरिमों का छिपना गोया नई वारदात के लिए रास्ता बाकी रखने के बराबर है। सिर्फ बेलगाम शहर की बात नहीं बल्कि रियासत मुल्क सतह पर भी इंतजामिया अदलिया पर ही अवाम भरोसा करती है और इन्हें चाहिए कि अवाम के भरोसे पर खरे उतरे। खासबाग मकान तामिटकर गली जहां ये वारदात हुई है और जितने भी अफराद पथराव में शरीक रहे इन्हें गिरफ्तार करना जरूरी है और असल मुजरिम को तलाश कर सलाखों के पीछे बंद किया जाए। वड़गांव शाहपुर पिरनवाड़ी इलाकों में शरपसंद अनासिरों में इजाफा होने की इत्तला हासिल हो रही है। उम्मीद है कि इंतजामिया सख्ती से निमट कर अमन को बरकरार रखने में कामयाब होगी। साबिक वजीर और बेलगाम रुकन पार्लियामान की कोरोना से मौत के बाद बेलगाम हलके से जमीनी इंतखाबात जल्द होने के इम्कान है। अब बेलगाम के लिए बड़ा ही अजीब और दिलचस्प चुनाव रहेगा, क्योंकि भाजपा की जिम्मेदारी रमेश जारकीहोली पर है तो इन्हीं के भाई सतीश जारकीहोली पर कांग्रेस की जिम्मेदारी है। दोनों भाई अपने अपने उम्मीदवार जिताने की कोशिश करेंगे और दो भाइयों का मुकाबला भी बड़ा मजेदार और दिलचस्प होगा। कांग्रेस की जानिब से साबिक वजीर MB पाटिल का नाम आ रहा है तो भाजपा की जानिब से तवील फहरिस्त है। वैसे भी फिलहाल BJP की जीत यकीनी कहा जाता है, क्योंकि अब तक जितने भी जमीनी इंतखाबात हुए हैं भाजपा की ही जीत हो रही है। कांग्रेस
बिचारी माजूर पार्टी के तौर पर देखा जा रहा है, पर बेलगाम और अतराब में जारकीहोली भाइयों का काफी दबदबा है। क्या वाकई ये मुकाबला दिलचस्प बनेगा? ये भी सवाल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि भले ही भाजपा ने कोई नुमाया काम तो अंजाम नहीं दिया है, पर आवाम का रुझान ज्यादातर भाजपा की ही ओर है। सभी को किसी तरह भाजपा का टिकट हासिल करना, और दूसरी तरफ कांग्रेस की हालत यह है कि कोई खतरा उठाने के लिए तैयार नहीं। भाजपा फिलहाल कामयाबी की जमानत है, भले किसी तरह से जीत हासिल करती हो। अगर वाकई कांग्रेस जीत दर्ज करती है तो चमत्कार ही कहा जाएगा। अगर यह मुश्किल काम को मुमकिन करना है तो कांग्रेस के जिम्मेदार सतीश जारकीहोली को बेइंतहा जद्दोजहद करनी होगी, जो भी हो। पर इस मुकाबले में दो भाइयों की काबिलियत का ही इम्तिहान कहा जा सकता है। कोरोना के मद्देनजर तरह तरह की अफवाहें गश्त करने लगी है। कुछ लोगों ने तो सोशल मीडिया पर फिर से लॉकडाउन की खबरों को भी फैलाना शुरू किया है, पर बेलगाम वालों के लिए एक राहत की खबर यह भी है कि बेलगाम जिला में तेजी से कोरोना मरीजों की तादाद घटती जा रही है। बेलगाम और अतराप में 10-15 पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, पर सेहत महकमा का कहना है कि अच्छी बात है कि बेलगाम जिला में कोरोना का असर कम हो रहा है, पर खतरा अभी टला नहीं है। उत्तर भारत के कई शहरों में रात के कर्फ्यू लगा देने की खबर है, तो दिल्ली, अहमदाबाद, जयपुर जैसे शहर में काफ़ी हद तक सख्तियों को बरतने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र में रात का कर्फ्यू लगाने की बात कही जा रही है, पर हुकूमत ने इसका इनकार किया। कर्नाटक में भी किसी तरह के कर्फ्यू का कोई इरादा हुकूमत की जानिब से जाहिर नहीं किया गया। हुकूमत की जानिब से बेंगलोर अर्बन और रूरल, कोलार, चिकबल्लापुर, मंड्या, चामराजनगर, इन तमाम जिलों को येलो अलर्ट करने का इरादा है, वो भी हफ्ते के बाद। इस पर सोचा जाएगा, ऐसा भी कहा जाएगा। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।